हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है छोले भटूरे। छोलों को मैंने कुकर में बनाया है जो बहुत जल्दी से बन जाते हैं, और भटूरे भी देखिए कैसे फूले फूले बने हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से इन्हें बनाते हैं। सबसे पहले भटूरे बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 कटोरी मैदा, आधा कटोरी दही, और अब लेंगे एक बाउल। बाउल में डाल देंगे मैदा, और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधे से भी आधा चम्मच डालूंगी बेकिंग सोडा, और डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सबको मैंने अच्छे से मिला लिया है, और अब मैं डालूंगी इसमें दही। दही मैंने यहाँ पे ताज़ा दही लिया है, ये खट्टा कम होता है, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दही डाल के एक डो तैयार कर लूँगी। एक साथ पूरा दही नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी, जिससे कि एक अच्छा सख्त डो बन के तैयार हो जाए। ये देखिए कितना अच्छे से डो बन के तैयार हुआ है। इस डो को बनाने के लिए मैंने 1/2 कटोरी दही पूरी इस्तेमाल करी है, मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, दही से ही मैंने इसे तैयार किया है। और मैं अब इसमें डालूंगी 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक अच्छा चिकना डो तैयार हो जाएगा। अच्छे से इसे गूंद लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से चिकना डो बन के तैयार हुआ है। अब डो एकदम बन के तैयार हो गया है। अब इसको ढक के रख देंगे के लिए, जिससे कि डो अच्छे से सेट हो जाए और ये अच्छे से फूल जाए। तो जब तक आटा सेट होता है तब तक छोले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे 1 कटोरी छोले, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे, जिससे कि ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। और मैं अभी इन्हें कुकर में दे के बॉयल कर लूँगी। इनको बॉयल करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे कुकर। कुकर में सारे छोलों को डाल दूँगी। और मैं अब इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी, और मैं डालूंगी इसमें नमक 1 चम्मच, और अब इसमें डालूंगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, इनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं अब इसको गैस जला के रख दूंगी और 4 से 5 सीटी आने तक इसको उबाल लूंगी, जिससे कि छोले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब तब तक इसमें सीटी लगती है, मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसालों में मैंने लिया है 1 बड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 10-12 लहसुन की कलियां, 1 टमाटर, और थोड़ी सी लिए मैंने यहाँ पे 70 फूल, और 1 बड़ा सा आलू, जिसको मैंने इसे बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। आप टमाटर को और प्याज लहसुन को पीस लेंगे। सबसे पहले मैं टमाटर को पीस लूँगी। इसके लिए मैंने लिया 1 मिक्सी का जार। मैंने टमाटर को पीस लिया है। अब इसको मैं 1 कटोरी में निकाल लूँगी, और अब मैं इसी जार में प्याज लहसुन अदरक को भी पीस लूँगी, और इसी के साथ डाल दूँगी 70 फूल को भी। छोले में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसकी। इसको भी मैंने पीस लिया है। मसाला भी पीस के तैयार हो गया। अब छोलों को देख लेते हैं। छोले में भी 4 से 5 सीटी लग चुकी है। अब खोल के देखते हैं। ये देखो छोले भी उबल गए हैं।
मैं आपको एक छोला दबा के दिखाती हूँ। देखो कितनी अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसको एक तरफ रख देंगे और अब मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने रख दिया है गैस चला के कढ़ाई गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुकी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी तेल। यहाँ मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। और मैं अब इसमें आलू को फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब आलू को पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये सब तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लूँगी। मैंने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया है और मैं अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल और डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा और मैं अब इसमें डाल दूंगी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सबको मैंने डाल दिया है। अब मैं इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी डाल दूंगी। मसाले को 1 मिनट के लिए मैं भून लूंगी। और मैं अब इसमें ऐड करूंगी सूखे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर लिए मैंने 1/2 चम्मच। और अब इसमें मैं कलर के लिए डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे छोले में बहुत अच्छा कलर आएगा। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए और भून लूंगी। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और मैं अब इसमें डाल दूंगी टमाटर। इसको भी मसाले के साथ ही भून लूंगी ताकि मसाला और टमाटर अच्छे से भून जाए। मैं जब तक मसाले में से तेल ना छोड़े तब तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला अच्छे से भून के तैयार हो गया है और मैं अब इसमें डालूंगी आखिरी में छोले मसाले 2 चम्मच। इसको भी 1 मिनट के लिए मसालों के साथ ही भून लेंगे। ये मसाला देखो अब बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब मैं मसालों को डाल दूंगी कुकर में छोलों के साथ। मैंने पूरा मसाला कुकर में डाल दिया है। और अब मैं कढ़ाई हटा दूंगी और अब कुकर को गैस के ऊपर रख दूंगी। अब मसालों को छोलों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो आलू फ्राई किया था वो भी इसी में डाल दूंगी। अब आलू को भी मसालों में मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी और ऐड करूंगी। आप पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और मैं अब इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर 1 चम्मच, डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया और मैं अब इसको ढक दूंगी और मीडियम फ्लेम पर इसको 2 से 3 सीटी और लगा लूंगी। तब तक आटा देख लेते हैं। ये देखो आटा कितने अच्छे से फूल गया है। बिल्कुल डो बिल्कुल भटूरे बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसको थोड़ा और गूंद लेंगे। अब ये तैयार हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। मैं यहाँ पे पूरी की साइज़ के भटूरे बनाऊंगी तो मैं उतने ही लोई तोड़ूंगी। ये देखिए आप भटूरे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोइयाँ भी तोड़ लीजिए। मैं इसी साइज़ के भटूरे बनाऊंगी तो मैंने उतनी ही लोई तोड़ी है। इसी तरह से मैं 4-5 लोइयाँ तोड़ लूँगी। और उनको हाथों में गोल गोल करके एक
पेड़ा जैसा तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 लोइयों को गोल गोल करके रख लिया है। अब कुकर में भी सीटी लग चुकी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुकर में 2 सीटी लगा ली है। अब छोले बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब कुकर को उतार लेंगे, कुकर को ठंडा होने देंगे। अब तेल रख देंगे गर्म होने के लिए। मैंने यहाँ कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब आओ भटूरे बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक लोई ली है। अब उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। अब चारों तरफ से बेलते हुए अच्छे से उसको बेल लेंगे। पूड़ी से थोड़ा बड़ा बेलेंगे और ना इसको पतला बेलेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा। बेलते हुए बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे मैंने पूड़ी से थोड़ा बड़ा बेला है। तो मैंने इसे मोटा नहीं रखा है और ना ही एकदम पतला किया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। अब इसी तरह से बाकी को भी बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 भटूरे बेल के तैयार कर लिए हैं। अब तेल भी गर्म हो चुका है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल को हाई फ्लेम पे अच्छा गर्म कर लेंगे ताकि जब भटूरे बनाएं तो फूले फूले भटूरे बने। ये देखिए दबाते हुए इसे फुला लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल फूले फूले गुब्बारे जैसे भटूरे बनके तैयार हुए हैं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही इन्हें बनाएंगे तभी भटूरे फूले फूले बनेंगे। एक और बना लेते हैं। इसी तरह से दबाते हुए बनाएंगे तो ये सब तरफ से फूल जाएगा। दोनों तरफ से मैंने ना इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से सब भटूरे बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब भटूरे बना लिए हैं और अब कुकर के तैयार हो गए हैं। अब छोलों को भी देख लेते हैं। मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे छोले बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए अब चम्मच की मदद से आलू को मैश कर लेंगे और अब चलो सर्व करते हैं। छोले भटूरे बनके बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखिए मैंने इसे प्याज के साथ सर्व किया है। कितने अच्छे लग रहे हैं छोले, भी कितने टेस्टी बने हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो इनमें बनाने में कम समय में ये अच्छे से बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।